सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वह लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जैसे ही नया कोई वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। लेकिन बंधुओं, सभी से अनुरोध ये है कि जो लोग नियमित हमारे चैनल को देखना चाहें वही सब्सक्राइबर बने हमारे, अन्यथा मुझे काहिलों की फौज नहीं खड़ी करनी है। मेरा उद्देश्य है जन जागरूकता के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का, तो जितने सब्सक्राइबर बने वो सभी के सभी सब्सक्राइबर कम से कम नित्य प्रति हमारे एक दो वीडियो जरूर देखें और नए वीडियो को तो तुरंत देखें, तथा एक्टिव रहेंगे तो लाभ में ही रहेंगे। और इसके साथ ये भी कहना है कि हमारी संस्था की गतिविधियों में भी आप सहयोग करें, अन्यथा आपका सब्सक्राइबर बनना बेकार है। खैर, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, अभी मैंने कुत्ते के काटने का, बंदर के काटने का, बिल्ली इत्यादि के काटने का मैंने इलाज बताया था। इसके बाद में सांप के काटने के बारे में दो वीडियो डाले मैंने। अब आज जो ये वीडियो डाल रहा हूँ ये भी बहुत ही आवश्यक है। कहीं आपको ततैया काट लेती है, बर्र काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, बिच्छू काट लेता है आपको, इस प्रकार के जो विषैले जीव होते हैं उड़ने वाले या वैसे, तो इनके काटने पर असहनीय पीड़ा होती है। इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि किसी को फिर चैन नहीं पड़ती। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ इन सभी के काटने पर क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैंने बताया था कि किसी भी जीव के काटने पर तुरंत बंद लगा देना चाहिए, यानी कि उसको किसी रस्सी से या किसी कपड़े से बांध देना चाहिए। इसके बाद में वहाँ पर उपचार करना चाहिए। अब जैसे बिच्छू का डंक अगर मारा है, बिच्छू ने मारा है, तो आप क्या करेंगे? बंद लगाने के बाद में आप जहाँ बिच्छू ने मारा है वहाँ पर थोड़ा सा ब्लेड से कट लगाएंगे। बिच्छू हो, ततैया हो, बर्र हो, बर्रैया हो, या एक सिलहरी होती है, और भी कई ऐसे उड़ने वाले जीव होते हैं, कीट पतंगे जो काट लेते हैं, तो काफ़ी शरीर में सूजन हो जाती है और भयानक दर्द होता है। बरसात में तो ज़्यादातर ही काटते हैं। तो अब क्या करना चाहिए कि पहले तो आप बंद लगाएंगे, दूसरा मैंने बताया कि वहाँ पर आप ब्लेड से थोड़ा सा कट लगाएंगे और वहाँ का खून निकालेंगे। अच्छा, अगर इसमें कट लगाने में आपको प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही वहाँ मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, आप अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मिट्टी का तेल लगाने से थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है, लेकिन यह उपचार नहीं है। तो वहाँ क्या करेंगे, आप नौशादर लगा सकते हैं, थोड़ा सा चूना नौशादर लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर ततैया या बिच्छू ने, किसी ने भी काटा है, सभी जहरीले होते हैं, उस समय की पीड़ा कैसे शांत की जाए, उस समय आप क्या कर सकते हैं कि एंटी एलर्जिक दवाइयों का, जैसे एविल है आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं या वैसे भी, तो वहाँ पे खुजली कम होगी और कुछ एलर्जी में आराम मिलेगा। इसके बाद आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, लेकिन जो बिच्छू का डंक होता है वो जल्दी ऐसे नहीं मानता, तो उसमें आपको कट लगाना ही है। कट लगाने के बाद में वहाँ का खून निकाल देना है, कई बार उसको साबुन पानी से धोना है, जिससे देखिए जो
डंक होता है वो डंक में कई परतें होती हैं, तो जब किसी जीव ने डंक मारा तो उसकी एक परत आपके त्वचा में घुस गई। आपने देखा होगा कि बर वगैरह या ततैया ने जब मारा तो एक जहाँ पे वो काटता है वहाँ काला पड़ जाता है और वहाँ पे डंक लगा मिलता है, तो थोड़ा ध्यान से देख करके उस डंक को तो हटा ही दें, निकाल दें। और उस पर सबसे बड़ी और अचूक दवा बता रहा हूँ, सबसे बड़ी और अचूक दवा, हो सके तो इसको अपने गमलों में ज़रूर लगा लें। यह औषधि है, बहुत ही कार्य वाली है। ये औषधि आपको इतना काम करेगी कि इसके बराबर की दूसरी औषधि जल्दी जल्दी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हुआ कि इसको हर गांव में, शहर में, सड़क के किनारे, खेतों में, मेड़ के किनारे, कहीं भी इसको आप देख सकते हैं। तो इसको चिरचिटा, औंगा, लटजीरा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, और इस पर मैंने एक वीडियो साल भर पहले बनाया था, अपामार्ग भी इसी को कहते हैं, तो वीडियो अपलोड है एक साल पहले से, आप उस वीडियो को ढूंढें और उसको देखें। आज जो बताने जा रहा हूँ उसमें क्या करना है आपको कि वो जब डंक आप हाथ से निकाल के या चिमटी से निकाल करके फेंक देंगे तो क्या करेंगे, इसके बाद वो जो अपामार्ग है यानी लटजीरा का पत्ता लेंगे, उसको वहीं पर रगड़ेंगे, ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे। हालांकि आपको दर्द तो बहुत होगा लेकिन ये गारंटी है कि वहाँ पर फिर सूजन नहीं हो पाएगी। अगर एक बार लटजीरा वहाँ पे आपने रगड़ दिया तो उस जगह सूजन नहीं होगी, थोड़ी देर जलन तो महसूस होगी लेकिन एक आध घंटे में वो जलन भी ख़त्म हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये गारंटी है कि जैसे अब देखिए, किसी की नाक में काट लिया, किसी की आँख के ऊपर काट लिया, किसी के गाल पे काट लिया, तो हनुमान जैसा मुंह बना करके फिर घूमते हैं, दो तीन दिन कुछ दिखाई भी नहीं देता, आंखें बंद हो जाती हैं, तो वहाँ पर तो बंद कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे बंद, वहाँ बंद लगाने की जगह ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, वहाँ पर इस लटजीरे की पत्ती को ही रगड़ेंगे और उस डंक को हटा देंगे। आप उस डंक को हटा करके और निकाल के फेंक देंगे। लेकिन एक बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, राज की बात है, सौभाग्य से ही किसी को ततैया या बर्र काटता है, आप हंसेंगे लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि कैसे दर्द की दवा दर्द होती है। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो हाथों में, उंगलियों में और अंगूठे के पास स्थायी दर्द रहने लगा। पहले सूजन हुई, फिर वो सूजन ख़त्म हो गई, पर वहाँ स्थायी दर्द रहने लगा। तो एक अंगूठे के जॉइंट पर दर्द हमेशा रहता था और वो दर्द किसी दवा से नहीं गया। फिर क्या हुआ कि मेरी मोटरसाइकिल की जो मुट्ठी होती है, जिसको पकड़ करके हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मुठिया, उसमें कुछ जगह रहती है हमेशा, तो उसमें बर वगैरह घुस जाते हैं कभी कभी। तो मैं जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो एक काला सा भौंरा, बिल्कुल काला वाला भौंरा था, वो उसमें बैठा होगा। जैसे ही मैंने उस वहाँ हाथ लगा तो उसी ज्वाइंट पर उस भौंरे ने काटा, काटा क्या मतलब डंक मार दिया और उड़ गया। हालांकि काफ़ी दर्द हुआ मुझे, लेकिन उस समय क्या करता। लेकिन इसका असर ये हुआ कि मुझे दो चार दिन बाद ऐसा महसूस हुआ कि उस जगह का दर्द आधा रह गया है, यानी कि एक साइड में दर्द ख़त्म हो गया जिस ज्वाइंट की साइड में उसने काटा था, और दूसरी तरफ दर्द रह गया था। अब मैंने, आप आश्चर्य करेंगे कि मैं अब इस बात को सोचने लगा कि काश कोई भौंरा फिर से इसी अंगूठे में काट ले तो पूरा दर्द ठीक हो जाए। और भगवान ने मेरी सुन ली। एक दिन
फिर उसी प्रकार का हुआ और उसी प्रकार का काला भौरा मोटरसाइकिल के मुठिया में आया। शायद ही ईश्वरी लीला थी, ईश्वर को ठीक करना था। तो उन्होंने फिर दूसरी तरफ उसने काट लिया, बहुत ही आश्चर्य की बात है। और जब उसने काटा उड़ गया तो दर्द हुआ खैर, लेकिन मुझे प्रसन्नता हुई कि अब मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और वह मेरा दर्द ठीक हो गया, आज तक वहाँ दर्द नहीं हुआ है। बाद में मैंने होम्योपैथ की जब एक किताब को पढ़ रहा था तो उसमें गांठों के दर्द, गठिया दर्द के लिए बर या जो भौंरा होता है उसके ततैया होती है, उसके डंक के द्वारा बनाई हुई औषधि के बारे में पता लगा मुझे कि ये बर्र का डंक है, इससे जोड़ों की सूजन वात पीड़ा दूर होती है। मैं दंग रह गया कि देखिए ये चीज प्रयोग होती थी, इसी कार्य में प्रयोग होती थी और अनजाने में ईश्वर ने उसको बर्र से कटवा करके ठीक कर दिया और उसके बारे में फार्माकोपिया में उसमें लिखा भी हुआ है कि बर्र के ततैये के डंक से भी दवा बनती है और वो इस प्रकार के दर्दों में काम आती है। खैर जो भी है, लठजीरा बहुत ही अच्छी औषधि है। लठजीरा का एक बार दोहरा देता हूँ, अगर वो वीडियो आप ना भी ढूंढ पावें। लठजीरा में आप देखते होंगे एक बाली जैसी होती है जिसमें कांटेदार बीज लगे होते हैं लंबी सी। लठजीरा का प्रयोग, इसकी जड़ से मंजन भी बनाया जाता है और उससे दांत आपके स्वस्थ रहते हैं, मसूड़ों की सूजन दूर होती है। लेकिन कोई महिला के अगर बच्चा पैदा होना हो, बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं हाथ जोड़कर के निवेदन करता हूँ आप सभी से कि उसको हॉस्पिटल में तो आप ले जाते हैं और वहाँ पर ज़बरदस्ती आप लोगों को मूर्ख बना करके आपकी बहन बेटी या पत्नी जो भी हो उसका ऑपरेशन करके, सीजेरियन करके, पेट फाड़ करके बच्चा निकाल देते हैं और आपसे मोटी रकम वसूल ली जाती है। आप क्या करें, यही अपामार्ग की जो डंडी है थोड़ा सा उसको छील करके उसमें से कांटे वांटे हटा करके उसको योनि मार्ग में रख दें, चार अंगुल, बच्चा बिना कष्ट के बाहर आ जाएगा। दूसरा प्रयोग ये है कि हमारे कुछ दर्शक, एक विशन सिंह जी हैं झांसी में रहते हैं और एक फ़ोन मेरे पास आया था ये कौशाम्बी ज़िले से, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने बताया कि वो योनि में ज़रूरत नहीं है उसको लकड़ी को रखने की। उन्होंने बताया कि बस उसकी पत्तियां तोड़ो और वो पत्तियां उस जो गर्भवती है जिसके बच्चा होना है, टाइम हो चुका हो, आप उसके मत्थे पर उसका रस का लेप कर दें या छुआ ही दें या उसके दाएं हाथ में बांध दें तो भी बच्चा पैदा हो जाता है। ये बात मेरी अनुभूत नहीं है, मेरी अनुभूत केवल वो बात है जिसमें कि उस लठजीरा की डंडी को योनि में रखने से बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन ये बुज़ुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, सरकारी लोग हैं और इन लोगों ने बताया आप इसको ज़रूर आजमाएं। क्या है, अगर किसी माता बहन के अगर बच्चा पैदा हो रहा है, बिना रुपए लगाए पैदा हो रहा है, केवल कोई पत्तियों को रगड़ करके उनका रस निकाल करके मत्थे पर लेप ही तो करना है, क्या जाता है आपका, तो इससे उनकी जान भी बचेगी, उनकी पीड़ा भी कम हो जाएगी, जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा और आप ठगने से बच जाएंगे। इस प्रकार से आज का ये मैं एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय धर्म।